वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन वी प्लेस यू अकेडमी माई नेम इज आशीषकर सो टूडे वी विल बी स्टार्टिंग अवर न्यू टॉपिक दैट इज द एयर पोल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल डिवाइस वी विल बी सींग दिवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक एज वेल बेसिकली इस टॉपिक से ऑलमोस्ट टू थ्री क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे इन एन किसी भी एग्जाम में देखोगे आप जैसे यदि आप ये देखोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, ये गेट का क्वेश्चन है या ई एस सी के भी आपको क्वेश्चन मिल जाते हैं इसमें तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है आपका तो बात करेंगे एयर पोल्यूशन कंट्रोल कैसे करते हैं वट इसके मैकेनिजम्स क्या हैं विध विच मकैनिज्म दीज आर गोइंग टू बी रिमूव देन वी विल सी द साइज ऑफ पार्टिकल्स विच कैन बी रिमूव फर्दर वी विल डिस्कस वट आर देयर क्वालिटीज और विच टाइप ऑफ पार्टिकल दे कैन रिमूव तो वन बाई वन हम सब इन सब चीज़ के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे शुरू करते हैं ये आप पी डी एफ मेरे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर पाओगे मेरा टेलीग्राम चैनल है लेट मी राइट इट हेयर आप ये पी डी एफ कंप्लीट पी डी एफ विद नोट्स आप डायरेक्टली वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी या फिर आपको क्वेश्चन भी डायरेक्टली वहीं पर मिल जाएंगे जो इसके रिलेटेड पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर वी प्लस यू अकेडमी है इस टेलीग्राम चैनल से आप क्वेश्चन को डाउनलोड कर सकते हैं साथ में टॉपिक्स की है इस पी डी एफ को स्टार्ट करते हैं एयर पोल्यूशन बेसिकली यदि आप देखोगे एयर पोल्यूशन क्या है एयर पोल्यूशन यदि आप एनालॉगी देखोगे जैसे हमारे पास रिवर्स है रिवर में कोई भी पर्टिकुलेट मैटर आता है या कोई भी पोल्यूशन uh, का मैटर आता है तो वो रिमूव होता है ड्यू टू इट्स फ्लो आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे उस पार्टिकुलेट मैटर्स को लेके चले जाएंगे ड्यू टू द फ्लो ऑफ रिवर सिमिलरली इफ देयर इज एन ए मैटर एमिटिंग फ्रॉम अ चिमनी या फिर सर्टेन पोल्यूशन कंट्रोल सर्ट एन पॉल्यूशन डिवाइस फॉर एग्जाम्पल एन ऑटोमोबील ऑटोमोबिल से कोई पोल्यूशन निकल रहा है तो आप क्या कर सकते हैं उसकी डिस्पर्जन से ही आप पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं कंट्रोल से क्या मतलब है यहाँ पर पोल्यूशन होगा तो भी कंट्रोल वही करेंगे ना इसकी डेफिनेशन से देखेंगे एयर पोल्यूशन कंट्रोल पोल्यूशन से मतलब पोल्यूटेंट्स पोल्यूटेंट्स यदि कोई पोल्यूटेंट्स किसी जगह पर किसी स्पेस के ऊपर ग्रेटर दैन परमिशिबल लिमिट हो जाते हैं फॉर एग्जाम्पल यदि एज्यूम करो आप ओजोन की परमिशिबल लिमिट मान लेते हैं फोर मिलीग्राम पर लीटर या फोर पी पी एम है यदि एट अ प्लेस दिस कंसनट्रेशन इज ग्रेटर देन फोर पी पी एम दैन इट इज कॉल्ड अ पॉल्यूशन सो हमारा पर्पज क्या है पॉल्यूशन कंट्रोल कैसे करेंगे या तो आप उस जो फोर पी पी एम है मिलीग्राम पर लीटर उस वॉल्यूम को आप डाइल्यूट कर दीजिए मतलब क्या हुआ इस बात का आप उसको वाइड एरिया में स्प्रेड कर दीजिए तो जैसे फोर मिलीग्राम पर लीटर है आपका फोर मिलीग्राम पर लीटर तो ये जो वॉल्यूम है आपका लीटर इस वॉल्यूम को यदि आप इंक्रीज कर दोगे तो ये कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी आपकी डिक्रीज कर जाएगी तो इससे क्या हुआ एक तरीके से हमारा कंट्रोल हुआ फर्स्ट दिस इज अवर फर्स्ट टेक्निक सेकंड टेक्निक क्या है एक्चुअली ये जो टेक्निक है ये पोल्यूशन को एट ए प्लेस रिड्यूस करेगी ना कि रिमूव करेगी क्योंकि इसमें क्या कर रहे हैं हम डालूशन इसमें क्या हो रहा है डायलूशन हो रहा है एक जगह आगे ऊपर एक प्लेस के ऊपर डाल्यूशन हो रहा है सेकेंड टेक्निक है जहाँ से पोल्यूशन हो रहा है जैसे ऑटोमोबिल है या फिर आपकी चिमनी है चिमनी आप समझ सकते हैं थर्मल पावर प्लांट है जैसे उसकी चिमनी है तो थर्मल पावर प्लांट में यदि आप जैसे फ्लाई ऐश उसका बाई प्रोडक्ट है तो फ्लाई ऐस की यदि हमें रोकना है फ्लाई एस का पोल्यूशन रोकना है तो आप क्या यूज़ कर सकते हैं जैसे इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रेसिपिटेटर्स होते हैं ये होते हैं जिससे आप फ्लाई एश का पोल्यूशन कंट्रोल कर सकते हैं तो इसमें बेसिकली क्या किया आपने आपने स्प्रेड नहीं किया आपने डाइल्यूट नहीं किया उस चीज़ को आपने जितना भी पर्टिकुलेट मैटर था उसको ही एब्जॉर्ब कर लिया पर्टिकुलेट मैटर क्या था फ्लाई एस था आपने उसको कम्प्लीटली एबजॉर्ब कर लिया तो ये है रिमूवल आपका ये ये टेक्निक क्या बोलती है ये रिमूवल की टेक्निक है और ये आपकी डिस्पर्जन या डाल्यूशन की टेक्निक तो ऐसे ये हमारा बेसिक होगा कि एयर पोल्यूशन कंट्रोल कैसे कर सकते हैं हाउ वी कैन कंट्रोल द एयर पोल्यूशन नाउ वी विल सी द मैकेनिजम्स बाई विच वी कैन कंट्रोल द एयर पोल्यूशन देख लेते हैं यहाँ पे द वेरियस नेचुरल प्रॉपर्टीज विच कंटिन्यूसली क्लीन द इन्वायरमेंट आर नेचुरल प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं फिर हम देखेंगे मैकेनिकल डिवाइसेस जिससे एयर पोल्यूशन रिमूव होता है हम वन बाय वन उन डिवाइसेस को भी पढ़ेंगे जिससे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं पहले नेचुरल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं जैसे मैंने बताया डिस्पर्जन डिस्पर्जन एयर एम्बियंट एयर है आपकी जो जैसे चिमनीज है हाई राइज चिमनी जो होती हैं या आपके जो थर्मल पावर प्लांट्स की चिमनीज जो होती हैं ये जितनी ज़्यादा हाइट के ऊपर होती हैं उतना ज़्यादा ही क्या होता है सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर आपका रिमूव एयर में जल्दी हो जाता है और लैंड पे इतनी जल्दी ये पहुंचता नहीं है जमीन पर ये इतनी जल्दी नहीं आएगा लेकिन आसपास का एरिया जो होगा उसको पोल्यूट करेगा लेकिन उसकी कंसंट्रेशन इतनी ज़्यादा नहीं होगी कि वो आ, एक डिजीज क्रिएट करे पोल्यूशन के अंदर तो ये क्या है डायलूशन की टेक्निक है तो या फिर इसको डिसवर्जन बोल सकते हो आप डिस्पर्जर तो ये क्या है एक नेचुरल प्रॉपर्टीज है सेकेंड है ग्रेविटेशनल सेटलिंग ग्रेविटेशनल सेटलिंग में क्या है जैसे ये चिमनी है तो यदि कोई पर्टिकुलर मैटर है ये ये कोई पर्टिकुलर मैटर है जिसका साइज ग्रेटर देन फिफ्टी माइक्रोमीटर है ग्रेटर देन साइज 50 माइक्रोमीटर है अल दो ये जो पार्टिकल है सेटल करेगा यहाँ पर दिस पार्टिकल विल सेटल विद ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो आपको ग्रेविटेशन सेटलिंग है वो बेस्ट मिलेगी ग्रेटर देन 50 माइक्रोमीटर साइज वालों के लिए यदि आप स्मॉल साइज की बात करें ट्वेंटी माइक्रोमीटर या थर्टी माइक्रोमीटर इसमें आपको एफिशियसी रिड्यूस मिलेगी फिफ्टी परसेंट मिलेगी मतलब यदि आपके 100 ग्राम्स ऑफ 20 माइक्रोमीटर साइज है तो ओनली 50 ग्राम ही उसमें सेटल करेंगे आपके ट्वेंटी टू थर्टी माइक्रोमीटर साइज तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं कि जो ग्रेविटेशनल सेटलिंग है इट वर्क्स बेस्ट विद द साइज ऑफ पार्टिकल्स हाइयर द साइज ऑफ पार्टिकल हायर द चांसेस ऑफ सेटलिंग इन द एयर तो ये एक ये भी क्या है एक नेचुरल मेथड है और बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है एयर पोल्यूशन कंट्रोल की थर्ड है आपकी एडजोप एबजोपन इंक्लूडिंग वाश आउट एंड स्कवेंजी तो एबजोप्शन क्या है ये आप जैसे आ, रेन uh, जब भी होगी आपकी प्रेसिपिटेशन जब भी होगी इफ़ दिस इज आवर क्लाउड अब प्रेसिपिटेशन होती है तो यहाँ पर कोई भी सोर्स है ये कोई सोर्स है आपका जिससे पोल्यूशन हो रहा है जिससे कोई पोल्यूशन हो रहा है ये गैसेज ही निकल रही हैं तो जब भी ये गैसे गैसेज कॉन्टैक्ट गैसे आएंगी इस रेन के साथ इसके अंदर है पर्टिकुलेट मैटर पर्टिकुलेट मैटर किसी साइज का तो जब भी ये रेन के साथ कॉन्टेक्ट में आएगी तो ये रेन के साथ ये वोटर को आ, रेन का जो वोटर है इन पर्टिकुलर मैटर्स पर सेटल करेगा या फिर मॉइस्चर प्रोवाइड करेगा इस पर्टिकुलर पर मैटर को जिससे क्या हो जाएगा वो हैवी हो जाएगा हैवी होने के कारण क्या क्या हो जाता है हैवी होने के कारण उसके वाश आउट हो जाता है उसको बोलते हैं वाश आउट मतलब कि वो पार्टिकल एटमॉस्फेयर से रिमूव हो जाएगा वाश आउट हो जाएगा एटमॉस्फेयर से रिमूव हो जाएगा या स्क्वेंजिंग भी बोल सकते हो आप स्क्वेंजिंग भी बोल सकते हो ये पार्टिकल अब रिवर में चला जाएगा आपका या फिर कोई भी दूसरी बॉडी में चला जाएगा तो ये इस तरीके तो से आपका पार्टिकल रिमूव हो जाएगा अब बात कर लेते हैं रेन आउट की रेन आउट में क्या होता है जो पार्टिकल है इस इस केस में क्या होता है जैसे रेन आउट में जो पार्टिकल है वो आपका नीचे आ जाते हैं उसमें क्या इसमें बेसिकली क्या होता है आपका जो पार्टिकल्स हैं आपके जो एयर जो क्लाउड लेवल है आपका क्लाउड लेवल से यदि पार्टिकल ऊपर है आपके क्लाउड लेवल के पार्टिकल ऊपर होने से का मतलब है जो मॉइस्चर कंटेंट है आपका मॉइस्चर कंटेंट आपका हंड्रेड परसेंट से भी ज़्यादा हो जाएगा इफ द मॉइस्चर कंटेंट इज ग्रेटर देन हंड्रेड परसेंट आपको पता है ह्यूमिडिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी ग्रेटर देन वन हो जाएगी ड्यू टू विच ह्यूमिडिटी वैल्यू कम्स आउट टू बी ग्रेटर देन वन तो ये पार्टिकल आपका नीचे सेटल करने शुरू हो जाएगा क्यों क्योंकि ह्यूमिडिटी इसकी ज़्यादा है तो ऑब्वियसली इसको क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं ड्रेन आउट रेन आउट होता है अबाउट द क्लाउड लेवल तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा डिफरेंस क्या है इन आउट में और वाश आउट में अब बात कर लेते हैं एडजो ऑप्शन सिंपल एडज ऑप्शन क्या है जब भी कोई पार्टिकल जब भी कोई पार्टिकल जैसे मैं यदि थोड़ा नीचे करके दिखाता हूँ एडजोप्शन में क्या होगा आपका जैसे एज्यूम कर लेते हैं कोई बिल्डिंग है इफ दिस इज सम बिल्डिंग तो यदि कोई भी पार्टिकल ये आपका फ्ल्यूम या कोई पार्टिकल है यहाँ पर अब जब भी एडजॉपन कैसे होता है यदि ये, ये पार्टिकल इस बिल्डिंग के ऊपर आपका सेटल करेगा या फिर रेन यदि अब आ जाएगी अब एज्यूम करते हैं देयर इज अ प्रेसिपिटेशन ड्यू टू विच दिस पार्टिकल्स स्टार्ट्स टू मेक कॉम्बिनेशन विद द बॉडी ऑफ दिस स्ट्रक्चर मतलब क्या हुआ इम्पैक्ट के कारण इम्पैक्ट के कारण ये पार्टिकल इसकी बॉडी में सेटल कर जाएंगे और ये सबसे बेटर काम करते हैं टेन माइक्रोमीटर टू फिफ्टीन माइक्रोमीटर साइज पार्टिकल्स के लिए टेन माइक्रोमीटर टू फिफ्टीन माइक्रोमीटर साइज पार्टिकल के लिए जिसके कारण ओवरऑल ये जो साइज़ है इस साइज़ के ऊपर सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी आपको मिलेगी ड्यू टू द नेचुरल प्रोसेस तो ये तो हमने देखिए वट आर नेचुरल वे बाई विच दिस पार्टिकल्स कैन बी रिमूव दीज आर दीज आर दी फाइव नेचुरल वेज बाई विच दीज पार्टिकल्स कैन भी रिमूव तो ये मैंने डिटेल में भी लिखा हुआ यहाँ पर पी डी एफ आप ये डाउनलोड कर सकते हैं जैसे मैंने बताया ये डिटेल में लिखा हुआ है यहाँ पर डिस्पर्जन क्या होता है और कैसे पार्टिकल्स रिमूव होते हैं उसके अंदर देन वी हैव अगेन वी हैव ग्रेविटेशनल सेटलिंग कैसे काम करता है या फिर वन बाई वन एबजॉप्शन रेन आउट एंड एड्जॉप्शन ये सब पार्टिकल्स का ये बेसिकली एक्सप्लेन किया गया है कि एक वर्किंग कैसे है इसकी आई होप ये आपको समझ में आया होगा अब बात कर लेते हैं कंट्रोलिंग एयर पोल्यूशन अब बात कर लेते हैं कंट्रोलिंग एयर पोल्यूशन स्टेशनरी इंस्टॉलिंग इंजीनियरिंग डिवाइस अब बात करते हैं इंजीनियरिंग डिवाइसेज जिससे हम एयर पोल्यूशन कंट्रोल करेंगे इंजीनियरिंग डिवाइस बाय विच वी कैन कंट्रोल द एयर पोल्यूशन बेसिकली यदि देखोगे तो वी हैव फाइव इंजीनियरिंग डिवाइसेस जिससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको हम उन सब की बात करेंगे मैकेनिजम्स क्या हैं उनके मेरिट्स डी उनके प्रिंसिपल्स क्या हैं सो so, लेट्स सी विद द हाउ वी कैन कंट्रोल एयर पोल्यूशन यूजिंग इंजीनियरिंग डिवाइस तो यदि मैं बात करूं तो ये सच आप ये ऐसे समझ सकते हैं ये डिवाइसेस जो हैं दो कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं दीज आर जनरली डिवाइडेड इनटू टू टू कैटेगरीज फर्स्ट वन दो डिवाइसेस विच हेल्प इन रिड्यूसिंग पर्टिकुलर मैटर वो डिवाइसेस जो पर्टिकुलर मैटर को रिड्यूस करती हैं सेकेंड वन दो डिवाइस विच हेल्प इन रिड्यूसिंग गैसियस पोल्यूटेंट वी नो डैट वी हैव दर्टिकुलर मैटर पर्टिकुलर मैटर क्या है आपका सॉलिड मैटर है ये कोई और एक है हमारे पास जो गैसियस पोल्यूटेंट है हमारे पास ऐसी डिवाइसिस हैं मैकेनिकल जो तो खाली एक पार्टिकुलेट मैटर पे काम करती हैं और कुछ खाली गैशियस पोल्यूटेंट्स के लिए काम करती हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो दोनों पर काम करती हैं तो ये भी क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया है कि वट आर दी डिवाइस विच कैन रिमूव बोथ Yes, yes, and so, ये आप ध्यान रखिए ये क्वेश्चन कंटिन्यूसली पूछा गया है मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताऊंगा जब मैं आपको वो कंट्रोल डिवाइस पढ़ाऊंगा आई होप आप ये क्वेश्चन याद रखेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सो वी विल डिस्कस नाउ कंट्रोल ऑफ पर्टिकुलर मैटर इन इंडस्ट्रीज तो फर्स्ट जो डिवाइस हमारे पास है ग्रेविटेशनल सेटलिंग चैम्बर तो ग्रेविटेशनल सेटलिंग चैम्बर क्या है बेसिकली ग्रेविटेशनल सेटलिंग चैंबर आप ऐसे समझ सकते हैं जो भी आप ग्रेविटेशनल फिनोमिना देखते हैं कोई पार्टिकुलेट मैटर है या फिर कोई भी बॉडी है तो यदि वो एयर में सस्पेंशन में नहीं रहती है और सेटल कर जाती है तो वो एक फिनोमिना है जिससे ग्रेविटेशनल सेटलिंग चैम्बर आप एक कंट्रोल डिवाइस है जिससे आप पोल्यूशन कंट्रोल कर सकते हैं डिटेल में पढ़ने के लिए देखते हैं वैसे फाइव कंट्रोल डिवाइसेस हैं मैं अभी नाम बता देता हूं वन बाय वन हम इनको देखेंगे भी तो फर्स्ट वन है हमारी ग्रेविटेशनल सेटलिंग चैम्बर देन वी हैव सेंट्रीफ्यूगल कलेक्टर सेंट्रीफ्यूगल कलेक्टर दो तरह का होता है आपके पास फर्स्ट वन इज द साइक्लोन कलेक्टर सेकेंड वन इज द डायनामिक कलेक्टर डायनामिक प्रेसिपिटेटर सॉरी तो ये दो तरह के आपके सेंट्रीफ्यूगल कलेक्टर्स हैं सेंट्रीफ्यूगल से ही समझ में आ रहा है इसमें क्या होगा सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स होगा जिससे कलेक्शन कुछ हो रहा होगा तो आप नाम से भी समझ सकते हैं कि इसका लिंक कि ये कैसे सेटल होता होगा ये पार्टिकुलेट मैटर कैसे रिमूव होते होंगे एयर में आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा कि आप खाली नाम से ही आप अपना जो क्वेश्चन है वो सोल्व कर सकते हैं क्वेश्चन बना सकते हैं जैसे आपका है वेट स्क्रबर तो वेट स्क्रबर से क्या आइडिया हो रहा है कुछ ऐसा रहा होगा स्क्रबर से क्या होता है कलेक्टर होता है बेसिकली तो वेट कलेक्टर क्या होगा कुछ ऐसा रहा होगा कि कोई गैसेस के पार्टिकल्स कोई लिक्विड के पार्टिकल के साथ कंबाइन होकर जो पार्टिकल सेटल होते होंगे उनको क्या बोलते होंगे वेट स्क्रबर अब वेट स्क्रबर तीन टाइप का होता है फर्स्ट वन इज द स्प्रे टावर्स स्प्रे टावर फिर देन वी हैव वेट साइक्लोन स्क्रबर देन वी हैव वेंचुरी स्क्रबर्स तो ये तीन तरह के वेट स्क्रबर्स हैं अब तीन तरह की जरूरत क्या पड़ी है तो तीनों की अलग अलग मकैनिज्म है अलग अलग साइज ऑफ पार्टिकल रिमूव करते हैं जैसे आप ये समझ सकते हैं डिटेल में पढ़ेंगे लेकिन अब ब्रीफ कर रहा हूँ मैं आपको स्प्रे टावर रिमूव करता है आपके हाइयर साइज पार्टिकल्स वेट साइक्लोन थोड़े छोटे साइज के पार्टिकल एज कम्पेयर टू स्प्रे टावर एंड वेंचुरी स्क्रबर कैन यू मूव इवन स्मॉलर साइज ऑफ पार्टिकल एज कम्पेयर टू द स्प्रे टावर एंड वेट साइक्लोन स्क्रबर तो ये आप ऐसे समझ सकते हैं लिक्विड लिक्विड और लिक्वीड और आ, आपकी गैसेस का जो कम्बिनेशन है जिसके कारण पार्टिकल सेटल हो रहे हैं उसको हम वेट स्क्रबर बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रेसिपिटेटर ये कुछ नया आया है इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रेसिपिटेटर क्या होगा तो इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रेसिपिटेटर क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोस्टेटिक लिखा हुआ है आप समझ सकते हैं इसमें क्या है करंट है तो करंट ही है इलेक्ट्रोस्टेटिक क्या है करंट है इलेक्ट्रोस्टेटिक ऑफ अट्रैक्शन हमें पढ़ा है वी इक्वल्स टू आई आर तो आपको पता है ये करंट से कुछ लेना देना है इसका तो थोड़ा आइडिया कर सकते हैं कि हाउ पार्टिकल्स कैन बी सेटल यूजिंग करंट देन वी हैव फैब्रिक फिल्टर फैब्रिक एज यू नो ऑलरेडी बाय नेम फैब्रिक क्या है कोई भी कॉटन का कपड़ा या आप जनरली ऐसे मान सकते हैं तो कॉटन से कैसे पार्टिकल सेटल होंगे तो आप ये सोच सकते हैं तो दीज आर दी फाइव वेज बाई विच दीज पार्टिकल्स कैन बी सेटल्ड तो हम वन बाई वन ऑल दिज पार्टिकल्स हाउ दीज डिवाइसिस वर्क हम वो सब पढ़ेंगे तो बेसिकली क्या पढ़ने वाले हैं हम वो मैं आपको थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ साइज ऑफ पार्टिकल्स रिमूव बाई दीज मकेनिकल डिवाइस दे आर वर्किंग प्रिंसिपल्स कंपेरटिव मेरिट्स डीमेरिट्स हम ये सब पढ़ने वाले हैं इसके बारे में क्योंकि ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया है और आपका कन्वेंशनल में तो ये डायरेक्टली पूछा ही जाता है Uh, कोई भी आपको डिवाइस दे देंगे और बोलेंगे राइट अ शॉर्ट नोट ऑन दिस डिवाइस से फैब्रिक फिल्टर या फिर आपका ई तो बात करते हैं हमारे पहले सेटलिंग ग्रेविटेशनल सेटलिंग चैम्बर की लेट्स स्टार्ट विद द ग्रेविटेशनल सेटलिंग चैम्बर तो ये जो डिवाइस दिख रही है आपको इसके अंदर ये है आपका ग्रेविटेशनल सेटलिंग चैम्बर दिस वन इज़ योर ग्रेविटेशनल सेटलिंग चैम्बर बेसिकली इसमें क्या है आप जो गैसेज हैं जो भी जैसे कोई भी आपकी एज्यूम uh, कर लो फैक्ट्री uh, है कोई जिससे डट्टी गैस आ रही है तो डी गैस जब भी इस सिलेंडर uh, से अगले सिलेंडर में जाएगी इसमें क्या हो रहा है आपका एरिया इंक्रीज कर दिया है यहाँ पे एरिया क्या कर दिया है यहाँ पे आपका इंक्रीज कर दिया ऐसा क्यों किया तो जब भी एरिया इंक्रीज़ करोगे तो आपका जो डिस्चार्ज है जो आपका डिस्चार्ज है वो क्या हो जाएगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी कम हो जाएगी ये आपका एरिया इंक्रीज किया है तो यहाँ पर डिस्चार्ज तो सेम रहेगा सॉरी वेलोसिटी कम हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल क्या हो जाएगी कम हो जाएगी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल क्या हो जाएगी कम हो जाएगी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल कम होने से आपका जो पार्टिकल है वो पार्टिकल सेटल होने में जो सेटलिंग जो उसकी वेलोसिटी है यदि पार्टिकल का साइज किसी साइज से ग्रेटर है मान लेते हैं कोई डी साइज पार्टिकल है और वो एक सर्टेन साइज से ज़्यादा है टे साइज से ज़्यादा है तो ये पार्टिकल सेटल कर जाएगा यहाँ पे ये पार्टिकल सेटल कर जाएगा क्यों कर जाएगा क्योंकि इसकी जो साइज है वो इतनी ज़्यादा है इसकी जो साइज इतनी ज़्यादा है कि वो उस पार्टिकल्स को सेटल करा देंगे तो ये क्या है हमारी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को रिड्यूस करने का मेथड है जैसे ये रिड्यूस हो जाएगी आपका पार्टिकल सेटल कर जाएगा हुपर में अब ऐसे ब्रीफ कर रहा हूँ मैं अभी इसको प्रॉपर एक्सप्लेन भी करूँगा जैसे ही हुपर में ये आ जाएगा तो ये यह यहाँ से ओपन करके आप रिमूव कर सकते हो ये पार्टिकल्स को रिमूव कर सकते हो और यहाँ से आपकी क्लीन गैस आपको ओपटेन हो जाएगी बात कर लेते हैं मिनिमम पार्टिकल साइज़ जिसके लिए ये बना हुआ है तो ये इट इज़ द बेस्ट फॉर द फिफ्टी माइक्रोमीटर साइज़ ग्रेटर देन फिफ्टी माइक्रोमीटर साइज़ और इसकी एफिशिएंसी बहुत कम होती है एफिशिएंसी कम होने का रीज़न हम समझ सकते हैं क्योंकि इसमें जो टाइम है एक तो जो डिटेंशन टाइम है आपका जो पार्टिकल्स है यदि ये पार्टिकल सस्पेंशन में ही रहता है ये पार्टिकल बाहर ही निकल जाएगा ऐसे करते करते तो क्या होगा इससे आपकी जो डर्टी गैस आई थी ओडर टी गैसे एज इट इज़ बाहर चली जाएगी तो इससे हमारा जो पर्पज़ है वो फुलफिल नहीं हो रहा तो इसकी एफिशिएंसी काफ़ी कम होती है इसीलिए हमारे पास दूसरे मेथड हैं दूसरे डिवाइसेस है मेरिट्स क्या है सिंपल है और इसमें आपको मेंटेन करना भी काफ़ी आसान है ये लो प्रेशर लो लिखा हुआ है आप इसको इग्नोर करेंगे तो अच्छा है बाकी इसके लिए जो है आपको हायर स्टडी करनी पड़ती है या फिर आप ऐसे समझ लीजिए जब भी एयर और या जब भी कोई भी लिक्विड है या कोई सस्पेंशन गैसेस uh, है जिसमें पार्टिकुलेट मैटर है या कोई लिक्विड है जब भी उनका जब भी उनकी मिक्सिंग होती है तो वहाँ पे प्रेशर लॉस होता है उनकी मिक्सिंग से क्या होता है प्रेशर लॉस होता है तो ड्यू टू दैट प्रेशर लॉस उसी से रिलेटेड होता है कि लो प्रेशर है लॉस है या फिर हाई प्रेशर लॉस है हाइयर द प्रेशर लॉस हाइयर द पार्टिकल रिमूव बस ये जान लीजिए उससे ज़्यादा हमें जरूरत भी नहीं है यहाँ पे डिमेरिट्स क्या है इसकी लोअर एफिशिएंसी है स्पेस रिक्वायरमेंट ज़्यादा है स्पेस भी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है और लोअर एफिशिएंसी है ये दो इम्पोर्टेंट हैं और इसके अब बात कर लेते हैं किस साइज ऑफ पार्टिकल्स को रिमूव कर सकता है बट इज द साइज ऑफ पार्टिकल्स डेट इट कैन रिमूव तो आप इसको समझने के लिए ऐसे देख सकते हैं जैसे ये कोई डी साइज पार्टिकल है डी साइज पार्टिकल है जो हमें रिमूव करना है नाओ दिस पार्टिकल इज माइट बी सेटलिंग विद वी एस वेलोस्टी वी एस वेलोस्टी के साथ ये पार्टिकल सेटल कर रहा होगा इसके ऊपर कोई ड्रैक फोर्स लग रहा होगा क्योंकि अगेंस्ट द मोशन मूव कर रहा है तो ये ड्रैक फोर्स लगेगा इसके अफवा डायरेक्शन में एज्यूम कर सकते हैं आप तो आपको क्या करना है ड्रैक फोर्स को और वेट को इसके इक्वेट करना है तो ये सर्टेन वेट डब्ल्यू सेटल कर रहा होगा ड्रैक फोर्स को वेट से इक्वेट करना है तो ड्रैक फोर्स का हमें फॉर्मूला पता है हाफ ऑफ सी डी रो ए वी स्क्वेयर और यू यू कैन से वी एस स्क्वेर सेटलिंग वेलो स्टेक यू की और वेट को क्या बोल सकते हैं फोर बाई थ्री पाई आर क्यू ये आपका क्या हो गया वॉल्यूम इन टू डेंसिटी डेंसिटी ऑफ पार्टिकल आप डेंसिटी ऑफ पार्टिकल देख सकते हैं गामा पी तो जब इसको सोल्व करोगे तो क्या बनेगा हाफ ऑफ सी डी रो पाई बाई फोर या फिर पाई आर स्क्वेयर लिख, लिख लीजिए आप इसको डी की ट्रम में भी बात करते हैं लेट्स एज्यूम इट इज पाई बाय फोर डी स्क्वायर पाई बाय फोर डी स्क्वायर देन वी इक्वल्स टू फोर बाय थ्री पाई आर क्यू इन टू गामा पाप गामा पी अब यहां से आप साइज ऑफ पार्टिकल्स निकाल सकते हैं यहां से साइज ऑफ पार्टिकल निकाल सकते हैं जो आपका ये आएगा बेसिकली इसमें क्या किया है इसमें एच बाई एल भी मल्टीप्लाई किया है ये कैसे किया होगा मैं इसका थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ आपको ये कैसे किया है बेसिकली इन्होंने क्या किया है जो हॉरिजॉन्टल फ्लो वेलोसिटी है जो हॉरिजॉन्टल फ्लो वैला उसटी है वो आएगी आपकी लेंथ अपॉन टाइम हॉरिजॉन्टल फ्लो वेलोसिटी क्या आएगी लेंथ अपॉन टाइम और सेटलिंग वेलोसिटी क्या आएगी हाइट अपॉन टाइम ये क्या है जैसे आपके पास ये चैम्बर है ग्रेविटेशन चैम्बर है ये तो इसकी लेंथ इसकी लेंथ जो भी है और तो ये क्या देगा आपको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देगा अब ये डेप्थ की बात करें ये यदि डेप्थ में मैं आपको बताऊं ये आपकी डेप्थ है तो ये कुछ एच डेप्थ रही होगी आपकी ये आपकी एच डेप्थ रही होगी तो इसमें भी सेटलिंग वेलोसिटी क्या हो जाएगी एच बाई टी तो यदि हम यहाँ से टाइम निकाल लें किसी तरीके से तो क्या आएगा एल बाई वी एच टाइम क्या आ गया आपके पास एल बाई वी एच क्योंकि आपका जो टाइम है वो तो सेम ही रहना है फॉरवर्ड मूवमेंट में और सेटलिंग में भी तो टाइम सेम रहना है तो यहाँ पर यदि आप सबसे करोगे टी को तो यहाँ से वी एस क्या आ जाएगा आपका एच बाई एल इंटू वी एच एच बाई एल इंटू वी एच जो आप यहाँ पर पुट करोगे वी एस को कहाँ पर पुट करोगे वहाँ पर पुट करोगे जिससे आप फर्दर डायमीटर निकालोगे फर्दर डी निकालोगे इस इस डेरिवेशन की आपको जरूरत नहीं है वैसे लेकिन मैंने बता दिया कि ये फॉर्मूला कैसे आया आपका ये फॉर्मूला कैसे आया तो बेसिकली ये डायरेक्टली भी निकल सकता है यदि आपको स्ट्रोक्स ला पता है स्टोक स्लो पता है तो ये डायरेक्टली भी निकल सकता है तो इसके अंदर सी की वैल्यू यदि मैं बोल तो ट्वेंटी फोर बाई आर ई ली है ट्वेंटी फोर बाई आर ई क्योंकि ये स्टोक स्लो को वैल्यू स्टोक स्लो को फॉलो करता है तो आप डायरेक्टली इसको क्या कर सकते हैं डायरे डायमीटर ऑफ पार्टिकल निकाल सकते हैं विच कैन बी रिमूव यूजिंग ग्रेविटेशनल सेटलिंग चैम्बर आई होप ये ग्रेविटेशनल सेटलिंग चैम्बर आपको समझ में आया होगा इसमें कुछ नहीं है एक ग्रेविटेशनल सेटलिंग टैंक ही है जो आप जैसे ग्रिड चैम्बर होता है आपका उसमें क्या होता है पार्टिकल सेटल करते हैं ड्यू टू द ग्रेविटेशन या फिर आपका सेडिमेंटेशन टैंक होता है उसमें भी पार्टिकल कैसे सेटल करते हैं ड्यू टू द ग्रेविटेशन तो ये सब वही है इसमें हॉरिजॉन्टल फ्लो वेलोसिटी आपकी अराउंड जीरो पॉइंट फाइव टू टू पॉइंट फाइव मीटर पर सेकंड मेंटेन करके रखते हैं जीरो पॉइंट फाइव टू टू पॉइंट फाइव मीटर पर सेकंड मेंटेन आपको वेलोसिटी करनी होती है इसके अंदर मूविंग टू द नेक्स्ट कंट्रोल डिवाइस सेकंड कंट्रोल डिवाइस के बारे में बात करते हैं सेकेंड कंट्रोल डिवाइस में जैसे मैंने बताया था इसके दो पार्ट हैं सेंट्रीफ्यूगल कलेक्टर हैज़ टू पार्ट्स वन इज द साइक्लोन कलेक्टर एंड द सेकेंड वन इज द डायनामिक प्रेसिविटेटर इसमें यदि आप देखोगे वर्ड सेंट्रीफ्यूगल सेंट्रीफ्यूगल का मतलब क्या है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण ही इसमें क्या होते हैं पार्टिकल सेटल होते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण ही क्या होते हैं पार्टिकल सेटल होते हैं साइज़ का ऑफ पार्टिकल्स किसके लिए फ़ाइव टू ट्वेंटी फाइव माइक्रोमीटर एफिशिएंसी इसकी फिफ्टी टू नाइन्टी परसेंट मेरिट्स क्या हैं इसकी आप मेरिट पढ़ सकते हैं सारी मेरिट्स लेकिन हमें जानना है कि ये वर्किंग कैसे है इसकी मेरिट्स अब वैसे जनरली पूछा नहीं जाता कहाँ पर यूज है इसका फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्री में पेट्रोलियम में रिफाइनरीज में एक्सपोर्ट मिक्सिंग में आप ये पी में आप जाकर पढ़ सकते हैं ये च्योटिकल है सब इसमें कुछ भी समझाने का नहीं है तो ये इसकी मेरिट्स हैं और डीमेरिट्स आप डीमेरिट्स भी पढ़ सकते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है सेंसिटिव है वेरिएबल डस्ट लोडिंग के केस में और आप इसके फर्दर डीमेरिट्स भी देख सकते हैं लार्ज हेडरूम चाहिए कलेक्शन एफिशंसी इसकी क्या है लो है अब साइक्लोन कलेक्टर और डायनामिक प्रेसिपिटेटर ये दो डिवाइसेस क्यों हैं क्वेश्चन आ सकता है कि ये दो डिवाइसेस की जरूरत थी क्या है जब हम एक ही डिवाइस से काम कर सकते हैं तो बेसिकली साइक्लोन कलेक्टर में क्या होता है यदि मैं इसकी आपको डिवाइस दिखाऊँ ये वर्किंग ये है आपका साइक्लोन कलेक्टर साइक्लोन कलेक्टर आप यदि देख पा रहे हैं तो ये डट्टी गैस यहां से आपकी डट्टी गैस को इंसर्ट मतलब इन किया जाता है पुश किया जाता है आप ऐसे समझ सकते हैं तो यहां से तो आपकी क्लीन गैस आउट हो जाती है जैसे डी गैस आप यदि इसका देखेंगे क्रॉस सेक्शन तो ये डट्टी गैस यहां पे गई है इसके अंदर यहां पर वोटेक्स मोशन होती है स्पिन वेंस है दीज आर दी स्पिन वेंस स्पिन वेंस क्या करती हैं रोटेशन देती हैं जब भी आपके पार्टिकल्स इस वेंस के कंटेक्ट में आएंगे तो ये उसकी मोशंस को इंक्रीज करेंगे उसकी मोशंस को इंक्रीज करेंगे तो मोशन की इंक्रीज होने से क्या होगा एक सर्टेन वेलोसिटी पार्टिकल गेन करेगा कुछ वेलोसिटी वो गेन करेगा जिस वेलोसिटी के कारण वो स्ट्राइक करेगा इसकी बाउंड्री पे इसकी बाउंड्री पे स्ट्राइक करेगा तो कलेक्टर एलिमेंट जो है आपका उसकी बाउंड्री पे स्ट्राइक करेगा जिससे क्या होगा ये अपनी वेलोसिटी लूज करेगा और ये पार्टिकल सेटल करेगा इसकी बाउंड्री से चिपक के इसकी बाउंड्री से लग के पार्टिकल सेटल कर जाएगा दिस पार्टिकल सेटल्स तो ये डस्ट ऊपर में कलेक्ट हो जाएंगे तो ये डस्ट से डायरेक्टली रिमूव कर सकता है और यहाँ से आपकी क्लीन गैस आउट हो जाएगी क्लीन गैस आपको बाहर मिल जाएगी तो ये था हमारा साइक्लोन कलेक्टर अब डायनामिक प्रेसिपिटेटर इसमें और इसमें क्या डिफरेंस होगा जो इसके अंदर वेंस हैं वेंस का डिज़ाइन इस ढंग से होता है कि ये इसको बहुत ज़्यादा वेलोसिटी प्रोवाइड करते हैं जो भी पार्टिकल्स हैं मान लीजिए डी साइज का पार्टिकल है जिसका साइज है फाइव माइक्रोमीटर फाइव माइक्रोमीटर साइज का आपको पार्टिकल गिवन है तो इस साइज़ का पार्टिकल को वेलोसिटी प्रोवाइड करेगा ये और इतनी हाई वेलोसिटी प्रोवाइड करते हैं कि ये जब बाउंड्री से स्ट्राइक करता है वो तुरंत ही सेटल कर जाता है। तो इसकी एफिशिएंसी, डायनामिक प्रेसिबिटेटर की एफिशिएंसी आपकी सेवन टाइम्स सेवन टाइम्स हाइयर होती है एज कंपेयर टू द साइक्लोन कलेक्टर एफिशियंसी तो इसीलिए ये एक इम्प्रूवमेंट है ओनली ये क्या एक इम्प्रूवमेंट है इसमें यदि आप वैसे देखोगे इसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं होता है जो स्पिन वेंस है इसमें यदि आप डिफरेंस के लिए देखोगे तो ये डायनामिक कलेक्टर में या साइक्लोन सेपरेटर में ऐसा बोला जाता है कि मूविंग पार्ट नहीं है स्पिन वेंस जो है इसमें दिखाया हुआ है स्पिन वेंसल एक्चुअल में स्पिन वेंस इसके अंदर होती नहीं, नहीं है इसके अंदर मूविंग पार्ट नहीं होता है क्वेश्चन बनता है इसका व्हाट इज द डिफरेंस तो इसके अंदर मूविंग पार्ट्स यदि आप देखोगे तो कभी कभार कुछ डिवाइसेस में रहते हैं या भी होता है लेकिन इसके अंदर डेफिनेटली मूविंग पार्ट होता है जिसके कारण पार्टिकल कॉन्टेक्ट में आएंगे मूविंग पार्ट के और से वेलोसिटी वो गेन करेंगे उससे क्या होगा वेलोसिटी बढ़ेगी उनकी जिसके कारण वो जल्दी सेटल करेंगे आई होप ये आपको समझ में आया होगा इसकी थ्योरी जो है आप यहाँ से पढ़ सकते हैं कितने साइज़ के पार्टिकल को रिमूव कर सकते हैं सेवन टाइम्स ज़्यादा एफिशेंट है और ये कैसे वर्क करता है कहाँ वर्क करता है तो आई होप ये समझ में आया होगा आपको बाकी थ्योरटिकल है आप पढ़ सकते हैं मूविंग टू द नेक्स्ट डिवाइस हमारी थर्ड डिवाइस है वेट स्क्रबर थर्ड डिवाइस है वेट स्क्रबर जिसके तीन पार्ट हैं स्प्रे टावर देन वी हैव वेट साइक्लोनिक स्क्रबर एंड देन वेंचुरी स्क्रबर अब मैंने जैसे बताया था ये रिमूव करता है टेन माइक्रोमीटर साइज के ग्रेटर देन ट माइक्रोमीटर साइज़ ज़्यादा बड़े साइज पार्टिकल्स को रिमूव करता है साइक्लोनिक स्क्रबर टू पॉइंट फाइव एंड द वेंचुरी स्क्रबर जीरो पॉइंट फाइव माइक्रोमीटर एफिशंसी देख सकते हैं आप इसकी एट्टी परसेंट एट्टी परसेंट एंड नाइन्टी नाइन परसेंट अब जो स्प्रे टावर है जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन भी बताया था ऐसा कौन सी डिवाइस है जो बोथ गैशियस पोल्यूटेंट्स एज वेल एज पर्टिकुलेट मैटर दोनों को रिमूव करती है तो वो स्प्रे टावर है स्प्रे टावर है या फिर आप उस वो समझ सकते हैं साइक्लोनिक स्क्रबर है साइक्लोनिक स्क्रबर भी दोनों पार्टिकल साइज को रिमूव करता है तो सॉरी वेंचुरी स्क्रबर द स्प्रे टावर एंड वेंचुरी स्क्रबर कैन बी मेड टू रिमूव गैशियस पोल्यूटेंट्स अलॉन्ग विद मूविंग पर्टिकुलेट मैटर अलॉन्ग विध मूविंग पर्टिकुलर मैटर तो ये दोनों साइज़ पार्टिकल्स को रिमूव कर सकते हैं तो इसमें बेसिकली फंक्शनिंग कैसे है इसकी ये आप देख सकते हैं ये इसकी मेरिट्स है दीज आर इट्स मेरिट्स दीज आर डी मेरिट्स एंड दीज आर इट्स एप्लीकेशन या फिर इसका प्रिंसिपल हाउ दिज वर्क ये इसका प्रिंसिपल है तो बेसिकली इसमें यदि आप देखोगे इसमें फ्लू गैस जो होती है द फ्लू गैस इज मेड टू पुश अप अगेंस्ट द डाउन फोलिंग वाटर डिवाइस में दिखा देता हूँ आपको कैसे वर्क करेगी ये अब ये देखिए ये है वोटर इनलेट ये है वोटर इनलेट ये है डट्टी गैस इन अब इसमें सारा फंक्शन ही ऐसे होता है जैसे ही डट्टी गैस आपने इंसर्ट करी है इसके अंदर जैसे ही डट्टी गैस का आपने जो वोल्व है इसके अंदर आपने इंसर्ट किया इस डिवाइस के अंदर तो जब भी ये डट्टी गैस राइज करने की कोशिश करेगी तो ये कंटेक्ट में आएगी वोटर के जैसे ही कंटेक्ट में आएगी वोटर के जो पार्टिकल्स हैं जो गैसेस के अंदर जो पर्टिकुलर मैटर्स हैं दोज पर्टिकुलर मैटर कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द वोटर डेट्स वाई दिस पर्टिकुलर मैटर एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम ड्यू टू दिस नोजल्स एंड सेटल इन द टैंक तो ये सारा क्या होगा ये पार्टिकल्स सेटल्स कर जाएंगे और ये डर्टी वाटर हो जाए मतलब गंदा पानी जो होगा आपका वो सारा सेटल कर जाएगा और वो रिमूव कर जा हो जाएगा यहाँ से और जिससे क्लीन गैस आपको आउटलेट में मिल जाएगी अब इसकी यही जो चीज़ है यही है हमारे पास स्प्रे टावर इसी को ही बोलते हैं स्प्रे टावर जैसे कि मैंने बताया रिमूव गैसिस पोल्यूटेंट आल्सो इधर भी लिखा हुआ है इसका रीजन है क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा जाता है तो यहाँ पर भी लिखा है ये इट कैन रिमूव बहुत पर्टिकुलर मैटर एंड गैसिस पोल्यूटेंट इट कैन रिमूव बहुत पर्टिकुलेट मैटर एंड गैसिस पोल्यूटेंट तो ये इसका ऐसे फंक्शनिंग करता है स्प्रे टावर अब बात करते हैं वेट साइक्लोन स्क्रबर की तो वेट साइक्लोन स्क्रबर में आपकी जो देखो अब इसके अंदर खाली आपका अरेंजमेंट अलग है नोजल्स जो हैं आपकी अल्टरनेट लगी हुई हैं इसके अंदर एक नोजल ऐसे दूसरी नोजल ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे इस तरह इसका अरेंजमेंट है नोजल्स का जैसे ही आप देखो यहाँ पर डर्टी गैस इन करा यहाँ पर आपने क्रोसेक्शन को रिड्यूस किया क्रोसेक्शन के रिडक्शन से यूअर वेलोसिटी इज गोइंग टू बी इंकरेज यहाँ पर वेलोसिटी का वोटेक्स फ्लो होगा वोटेक्स फ्लो के कारण क्या होगा जब भी कोई भी कंटेक्ट यदि कोई भी पार्टिकल्स वाटर कंटेक्ट में आएगा वो क्या होएगा सेटल कर जाएगा जैसे यहाँ पर सेटल करेगा ये यह पानी यहाँ से रिमूव हो जाएगा और वोटर यहाँ से इंसर्ट हो रहा है इसके अंदर इंसर्ट हो रहा है इसके अंदर जैसे इस पार्टिकल में इस इस पाइप में इस नोजल में इस नोजल में सबके अंदर वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और यहाँ से आपको क्या मिल जाएगी क्लीन गैस तो ये था आपका वेट साइक्लोन स्क्रबर वेट साइक्लोन स्क्रबर तो ये दो डिवाइस हम देख सकते हैं वेट साइक्लोन स्क्रबर और वेंचुरी स्क्रबर में क्या है जैसे नेम सजेस्ट कर रहा है वेंचुरी वेंचुरी मीटर या वेंचुरी कैसे काम करता होगा इसमें एक नोजल रहती है या फिर थ्रोट सेक्शन रहता है वेंचुरी का मतलब ही है थ्रोट सेक्शन ये है थ्रोट सेक्शन आपका जैसे यदि ये हमारी पाइप है तो ये थ्रोट सेक्शन है जैसे ही इसके अंदर पार्टिकल्स को इंट्रोड्यूस करेंगे और साथ में यदि वोटर आता है ये हमारा यदि वोटर या नोज़ल किसी तरीके से यहाँ पर आती है तो ये पार्टिकल्स को क्या करवाएगा अगेन सेटल करवाएगा ये अगेन पार्टिकल्स को सेटल करवाएगा और क्लीन गैस को रिमूव कर देगा यहाँ से आपकी गैस रिमूव हो जाएगी एक मैकेनिज़म है मैं, मैं जनरली बता रहा हूँ कि क्या होता होगा क्योंकि इसमें मैंने फिगर दिखाई नहीं है तो इस तरीके से ये भी एक मेथड है जिससे गैसेस पोल्यूटेंट्स को आप रिमूव कर सकते हैं अब इसमें बताया गया है कि यदि कोई केमिकल है गैस के अंदर कोई केमिकल है तो आप जो वाटर यूज कर रहे हैं उसमें पोटेशियम कार्बोनेट या फिर मैग अंसलरी ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड मैग्नीशियम ऑक्साइड एट सेक्टर डू हेल्प इन रिमूविंग गैस पोल्यूटेंट आल्सो फ्रॉम दी फ्लूम गैस तो आप फर्दर क्या के केमिकल्स ऐड करके भी रिमूव कर सकते हैं तो so, ये आप पढ़ लीजिएगा तो दिस दिस वॉज थर्ड डिवाइस मूविंग टू द फोर्थ डिवाइस इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रेसिपिटेटर मोस्ट इम्पोर्टेंट दिस इज अवर द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिवाइस ये काम कैसे करती है ये काम करती है ग्रेटर दैन वन माइक्रोमीटर साइज पार्टिकल्स के लिए नॉट लेस दैन वन माइक्रोमीटर बट ग्रेटर दैन वन माइक्रोमीटर साइज एफिशंसी इसकी है नाइन्टी फाइव टू नाइन्टी नाइन परसेंट फायदे क्या इसके या आप बोल सकते हैं मेरिट्स दीज आर इट्स मेरिट्स पार्टिकल मे बी कलेक्टेड वेट और ड्राई पार्टिकल्स मे बी कलेक्टेड वेट और ड्राई ध्यान रखिएगा वेट भी और ड्राई भी पहले मैं इसका आपको मैकेनिज्म बता देता हूँ एक फंक्शनिंग कैसे है इसकी तो ये आपका वेंचुर स्क्रबर है जो मैं कह रहा था मैंने दिखाया नहीं बेसिकली ये यहाँ पर है ये थ्रोट नोजल है जो आई है जिसके नोजल से आप देख लीजिए एक बार वेंचुरी स्क्रबर आप आई होप ये आपको डायग्राम से ही समझ में आ जाएगा वेंचुरी स्क्रबर आपको डायग्राम से ही समझ में आ जाएगा कुछ इसमें बताने का है नहीं वैसे तो ये रिमूव करता है गैसेज पोलोटेंट आल्सो बात कर लेते हैं एक बार इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रेसिपटेटर की इसके अंदर ये आपको दिख रहा है ये सेक्शन है इसका इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रेसिपटेटर का सेक्शन है दीज आर प्लेट्स दीज आर प्लेट्स कलेक्शन प्लेट जिसे हम बोलते हैं अब बेसिकली इसके अंदर क्या होता है जैसे आप पार्टिकल को इंट्रोड्यूस करेंगे या फिर आपकी गैसेस इंट्रोड्यूस करेंगे उसमें क्या होगा जो भी पार्टिकल हैं जैसे ये पार्टिकल हैं तो ये इस पार्टिकल का क्या होगा बेसिकली आयनाइजेशन दिस पार्टिकल गेट्स आयनाइज आयनाइजेशन से क्या होगा ये एक साइड में पॉजिटिव चार्ज और एक साइड में नेगेटिव चार्ज क्रिएट करेगा और फर्दर आयनाइजेशन से क्या होगा ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा सेपरेट आउट हो जाएगा तो सेपरेट और आउट हो जाएगा ये तो बेसिकली क्या है एक एक इलेक्ट्रिक डिवाइस है इसमें बेसिकली हायर वोल्टेज अप्लाई करते हैं या आप ऐसे समझ लीजिए ये एक वोल्टेज लगाई ये प्लेट्स हैं ये यहाँ पर एक प्लेट है हमारे पास दिस वन दिस इज आवर फर्स्ट प्लेट देन एक प्लेट यहाँ पर है ये आपके पास हायर वोल्टेज डिवाइस है इतनी हाई वोल्टेज लगाने से क्या हो जाएगा जो पार्टिकल्स इसके बीच में आएंगे वो क्या हो जाएंगे आयनाइज हो जाएंगे जिसके कारण पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल डिस्पेक्टिव प्लेट्स के ऊपर डिपॉजिट हो जाएंगे डिस्पेक्टिव प्लेट्स के ऊपर डिपॉजिट हो जाएंगे नेगेटिव चार्ज वाले इसके ऊपर और पॉजिटिव चार्ज वाले नेगेटिव के ऊपर तो ये क्या हो जाएगा आयनाइजेशन से ये पार्टिकल रिमूव हो जाएंगे अब इसमें बोला गया है दिस कैन रिमूव बोथ वेट एंड ड्राई पार्टिकल वेट एंड ड्राई पार्टिकल क्योंकि आप करंट दे रहे हो तो आयनाइजेशन तो होगा पार्टिकल का जिससे क्या होगा आपका जो वेट पार्टिकल्स हैं वो भी आयनाइज होंगे और ड्राई पार्टिकल हैं वो भी आयनाइज होंगे जिससे वो रिस्पेक्टिव प्लेट्स पे इंट्रोड्यूस होंगे अब इस कलेक्टर प्लेट की एक खासियत है, है क्या खासियत है वो ये कलेक्टर प्लेट जब भी इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा एक ऐसा केमिकल रहता हैं यहाँ पे हम पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स को भी इंट्रोड्यूस करते हैं जिससे क्या होता है कि ओवरऑल पार्टिकल पार्टिकल क्या हो जाएगा न्यूट्रल ओवरऑल पार्टिकल क्या हो जाएगा न्यूट्रल और वो क्या हो जाएगा सेटल दिस पार्टिकल सेटल्स डाउन तो ये पार्टिकल हमारा क्या हो जाएगा सेटल्स डाउन हो जाएगा जिससे हम उसको फाइनली रिमूव कर देंगे दिस पार्टिकल नाउ गेट बी नाउ इट कैन बी रिमूव तो ये पार्टिकल अब हम रिमूव कर सकते हैं इजिली तो इलेक्ट्रोस्टेटिक तो तो प्रेसिपिटेटर में मेन चीज़ है कि हायर वोल्टेज आप अप्लाई करते हो हायर करंट के कारण आयनाइजेशन होता है आयनाइजेशन के कारण जो चार्जेज हैं वो डेवलप होएंगे और उन चार्जेज को न्यूट्रलाइज कर देते हैं बाद में जिससे वो पार्टिकल सेटल हो जाएगा और रिमूव हो जाएगा तो दिस इज द होल फंक्शनिंग ऑफ द इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रेसिपिटेटर थोड़ी इसके फायदे देख लेते हैं हम एक बार क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी इसकी एफिशिएंसी जैसे मैंने बताया 99 परसेंट एंड प्लस एफिशिएंसी है बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी है इसकी एज कम्पेयर टू अदर डिवाइसेस वी हैव ऑलरेडी सीन इवन स्मॉलर पार्टिकल्स कैन बी रिमूव बहुत सारे स्मॉल पार्टिकल्स रिमूव कर सकते हैं क्योंकि ग्रेटर देन वन माइक्रोमीटर साइज के पार्टिकल रिमूव करता है तो ये हमारे स्मॉलर साइज पार्टिकल्स भी रिमूव कर सकते हैं मेंटेनेंस इज नोमिनल एंड अनलेस क्रोजिव एडहेजिव मटेरियल्स आर प्रेजेंट इन द फ्लू गैसेस मेंटेनेंस आपकी नोमिनल रहेगी अनलेस क्रोजिव एंड एडेजिव मटेरियल्स आर प्रेजेंट इन द फ्लू गैस दे कंटेन अ फ्यू मूविंग पार्ट ये बात लिखने का पर्पज़ है तो इसकी जो आपकी मेंटेनेंस है वो ओवरऑल कम होगी इसका मतलब है मेंटेनेंस क्या होगी कम होगी मूविंग पार्ट ही नहीं है तो मेंटेनेंस ओवरऑल कम होगी ही दे कैन बी ऑपरेटेड एट हाई टेम्परेचर ये भी ध्यान रखिएगा हाई टेम्परेचर पर कौन ऑपरेट कर सकता है इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रेसिविटेटर मतलब क्या हुआ थर्मल पावर प्लांट्स ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे थर्मल पावर प्लांट्स में ये डायरेक्टली यूज़ किया जा सकता है बेसिकली फ्लाई गैस फ्लाई एश को रिमूव करने के लिए फ्लाई एश को रिमूव करने के लिए जो उसका बाई प्रोडक्ट होता है तो ये एट हाइयर टेम्परेचर कैन बी यूज अब इसके डिमेरिट्स देख लेते हैं वट आर दी डीमेरिट्स हायर इनिशियल कॉस्ट ऑब्वियसली कॉस्ट ज़्यादा होगी आप डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हैं डायरेक्टली प्लेट्स पे आप पार्टिकल्स को सेटल करवा रहे हैं उसकी प्लेट्स की कॉस्टिंग या फिर इलेक्ट्रिसिटी कॉस्टिंग आपकी हायर रहेगी सेंसिटिव है वेरिएबल डस्ट लोडिंग के अगेंस्ट uh, में एंड फ्लोरिट्स में जैसे चार्ज या डिस्चार्ज ऑफ फ्लू गैसेज डिक्रीज या इनक्रीज करेगा उसके अगेंस्ट सेंसिटिव है दे यूज सेंसिटिव होने का मतलब है वो उतना एफिशिएंट एफिशिएंटली वर्क नहीं कर पाएगा दे यूज हायर वोल्टेज एंड एंडह मेपोज रिस्क टू पर्सनल सेफ्टी ऑफ द स्टाफ समझ में आ जाएगी ये बात कलेक्शन एफिशिएंसी रिड्यूज विद टाइम एज द टाइम पास्ट ओवरऑल पार्टिकल एफिशिएंसी और कलेक्शन एफिशियंसी ऑफ द कलेक्टर प्लेट्स गेट्स रिड्यूज प्रिंसिपल की बात कर लेते हैं प्रिंसिपल तो बेसिकली जैसे मैंने बताया इन इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रेसिपिटेटर द फ्लू गैस इज मेड टू पास थ्रू अ हाईली आइनाइज जोन वेयर द पार्टिकल गेट्स इलेक्ट्रिकली चार्ज एंड सेपरेटेड आउट फ्रॉम द गैस विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसटिक फोर्स इन द पावरफुल इलेक्ट्रिक फील्ड वाइडली यूज इन द थर्मल पावर प्लांट पल्प एंड पेपर इंडस्ट्री माइनिंग मेटोलॉजिकल इंडस्ट्रीज आयरन एंड स्टील प्लांट्स एंड केमिकल इंडस्ट्रीज आई होप ये आपको समझ में आया होगा इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रेसिपिटेटर बात करते हैं अगली डिवाइस की हमारी फैब्रिक फिल्टर अगली डिवाइस हमारे पास फैब्रिक फिल्टर दीज आर सुटेबल फॉर इवन लेस देन वन माइक्रोमीटर साइज जैसे मैंने बताया था आपको ये क्या होगा फैब्रिक है ये कोई भी कॉटन क्लोथ है बेसिकली इनको बोलते हैं बैग फिल्टरस आल्सो बैग फिल्टर इसमें क्या रहता है आपके पास सिलेंडर्स होते हैं सिलेंडर्स होते हैं कपड़े के या आप कह सकते हैं दीज आर सिलेंडर ऑफ क्लोथ जिसके अंदर आपके छोटे छोटे साइज या छोटे छोटे मैसेज रहते हैं रिमूवल कैसे होगा जी यदि आपका वर्ड का साइज इवन लेस देन वन माइक्रोमीटर होगा वर्ड्स का साइज लेस देन वन माइक्रोमीटर होगा तो ही रिमूव होगा पार्टिकल क्योंकि इसमें लिखा है वी कैन रिमूव पार्टिकल्स लेस देन वन माइक्रोमीटर साइज तो वर्ड्स का जो साइज़ है जो ये वर्ड्स हैं इसका साइज भी लेस देन वन माइक्रोमीटर होगा जैसे ही आप फ्लू गैस को इंसर्ट करेंगे इसके अंदर तो क्या होगा ये जैसे मैंने नीचे से क्योंकि एक आपके पास सिलेंड्रिकल सेक्शन है यदि मैं नीचे से गैस प्रोवाइड करता हूँ या नीचे से गैस इंसर्ट गैस का मैकेनिज़्म फॉलो करवाता हूँ तो जैसे ही इस जैसे ही इस आपका कॉटन में कॉटन में इंसर्ट होगा आपका ये गैस उससे क्या होगा उससे बेसिकली ये पर्टिकुलेट मैटर जो है ये रिमूव ही नहीं निकल ही नहीं पाएगा उससे ओनली गैसेज क्या होगी रिमूव कर पाएगी ओनली गैसेज कैन बी रिमूव फ्रॉम दिस फैब्रिक uh, फिल्टर्स तो हम देख सकते हैं इसकी एफिशिएंसी 99 परसेंट है कैन गिव हाई एफिशिएंसी एंड कैन रिमूव इवन रिमूव वेरी स्मॉल पार्टिकल्स इन ड्राई स्टेट याद रखिएगा ड्राई स्टेट के अंदर ये वर्क करता है ड्राई स्टेट में वेट स्टेट में क्या प्रॉब्लम है जो इसके जो वायर्स हैं वो आपके वेट स्टेट में क्या हो जाएंगे वो बंद हो जाएंगे वो टोटली टोटली ब्लॉक कर देंगे गैसेस को वो आपके पार्टिकुलेट मैटर को ही नहीं गैसेस को भी ब्लॉक कर देंगे तो ये वेट स्टेट में आपका काम नहीं करता है ये भी आप याद रखिएगा ये इसके मेरिट्स हैं दीज आर इट्स मेरिट्स वर्क इन द ड्राई स्टेट ओनली बेस्ट परफॉर्मेंस डिक्रीज बिकम विजिबल गिविंग प्री वार्निंग परफॉर्मेंस डिक्रीज हो जाती है वो दिखती है और ये प्री वार्निंग देता है लेकिन जब भी परफॉर्मेंस डिक्रीज करेगी तो वो प्री वार्निंग हमारे पास रहती है हाई टेम्परेचर गैसिज नीडेड टू ये क्या आपकी डीमेरिट्स दीज आर डी मेरिट्स आप ये पढ़ सकते हैं इसका मेन मैकेनिज्म मैंने आपको समझा दिया है क्या है प्रिंसिपल मैंने आपसे बता दिया कि ये वर्क कैसे करता है ये लिखा भी हुआ है बैग हाउस फिल्टर यूनिट ये कैसे वर्क करते हैं मैंने आपको बताया भी है इसकी डायग्राम देख लेते हैं जैसे मैंने बताया आप डट्टी गैस इंट्रोड्यूस करेंगे यहाँ से और यहाँ पे क्या है इलेक्ट्रोड्स रहते हैं डिस्चार्ज इलेक्ट्रोड्स या फिर वायर ये आपके कॉटन क्लोथ्स हैं या फिर बैग फिल्टर्स हैं पाइप्स हैं जो बहुत बड़े बड़े साइज के भी होते हैं ये आपके सेवन मीटर हाइट या फिर वन पॉइंट फाइव टू एट मीटर हाइट तक के भी मिल जाते हैं जो कॉटन के क्लोथ्स जो आप देख पा रहे हैं ये काफ़ी बड़े बड़े साइज के भी रहते हैं तो डायरेक्टली आप याद रखिए वर्किंग देखिए इसकी बस और पता होना चाहिए फैब्रिक फिल्टर काम कैसे करते हैं तो ये है हमारी इसकी वर्किंग आप ये पूरी डिवाइस को देख सकते हैं ये वर्क कैसे करता होगा आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी ओवरऑल हम बात कर लेते हैं इसके क्वेश्चंस की जो मेन मुद्दा है जो हमें फाइनली करना भी है जो पेपर का जिसके लिए टॉपिक पड़ा है वो रीजन है क्वेश्चन तो क्वेश्चन की बात कर लेते हैं तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन हमारा द टू एयर पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेस फर्स्ट क्वेश्चन है द टू एयर पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेस डेट आर यूजुअली यूज्ड टू रिमूव वेरी फाइन पार्टिकल्स फ्रॉम द गैस क्या बोला गया है वेरी फाइन पार्टिकल तो आप देख सकते हैं ऊपर वाले से पी से भी वेरी फाइन पार्टिकल को कौन रिमूव करता है एक तो हमारे पास फैब्रिक फिल्टर एक है आपके पास फैब्रिक फिल्टर एक है आपके पास प्रेसिपिटेटर एक है आपके पास इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रेसिबिटेटर ये रिमूव करता है ग्रेटर देन वन माइक्रोमीटर साइज पार्टिकल फैब्रिक फिल्टर रिमूव करता है लेस देन वन माइक्रोमीटर साइज पार्टिकल लेस देन वन माइक्रोमीटर साइज पार्टिकल तो ऑप्शन में देख लेते हैं साइक्लोन एंड वेंचुरी स्क्रबर साइक्लोन एंड स्क्रबर एस पी एंड फैब्रिक फिल्टर तो आपका ऑप्शन राइट ऑप्शन क्या है सी ये गेट 2014 का क्वेश्चन है तो देख लीजिए आप कितने आसानी से ये सॉल्व हो गया तो ऐसे करने हैं क्वेश्चन ऐसे तैयारी करनी है पूरा टॉपिक पढ़ के पूरे क्वेश्चन को जान के तो ऐसे तैयारी करनी है ताकि कोई भी प्रॉब्लम फाइनली हमें पेपर में ना हो सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं पर्टिकुलेट मैटर फ्लाई एच लिखा हुआ ब्रैकेट में कैरिड इन एफ्लुएंट गैस फ्रॉम दी फर्नेस बर्निंग फोसिल फ्यूल्स आर बेटर रिमूव्ड बाई आप से पूछा गया है जो फ्लाई एस है वो फरनेस जो, बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स बाई यूजिंग फरनेस एंड बर्निंग द फॉसिल फ्यूल्स आर बेटर रिमूव्ड बाई कैसे रिमूव होगी बेटर तो वो मैंने बताया अभी अभी ई एस पी इज़ द डिवाइस विच रिमूव दल्स और विच रिमूव द फ्लाई एस क्योंकि ये क्या होता है चार्ज पार्टिकल्स होते हैं फ्लाई एस में क्या होता है चार्ज पार्टिकल्स तो ये बेट इजिली रिमूव कर देता है बाई ई एस पी आई होप ये आपको समझ में आया होगा मूविंग टू द थर्ड क्वेश्चन इसमें पूछा गया है आपको दो प्रेसिपिटेटर हैं जो सीरीज में यूज किए गए दीज आर यूज इन द सीरीज मतलब वन आफ्टर दियन अदर इफ दिस इज ई एस पी वन एंड इफ दिस इज ई एस पी टू ये ऐसे यूज किए गए हैं तो एक बार फ्लू गैस यहाँ से आपको इंसर्ट किया गया है स इन और ये आपकी ओवरऑल फ्लू गैस आउट फ्लू गैस आउट तो इस तरीके से इंसर्ट किया गया इसकी एफिशियंसी जो गेवन है वो एट्टी परसेंट एंड सिक्स परसेंट है इसकी एफिशियंसी कितनी है एट्टी परसेंट इसकी और इसकी एफिशियंसी आपके पास सिक्सटी फाइव परसेंट सिक्सटी फाइव परसेंट तो वट इज द ओवरऑल एफिशियंसी ऑफ द सिस्टम फॉर द सेम डायामीटर या फिर सेम साइज के लिए आप बोल सकते हैं फॉर सेम साइज तो क्या एफिशिएंसी ओवरऑल एफिशिएंसी इसकी क्या है ये पूछ रहे हैं मान लीजिए आप सौ ग्राम यहाँ पर इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसका 80 परसेंट ये रिमूव कर देगा 80 परसेंट रिमूव कर देगा तो ये 80 ग्राम आपको रिटेन करवा देगा यहाँ पे रिमेनिंग ट्वेंटी ग्राम को फॉरवर्ड कर देगा अब इसका 65 फाइव परसेंट ये फर्दर रिमूव कर देगा तो ट्वेंटी इंटू तो ये हो जाएगा आपके पास थर्टीन ग्राम ये कितना हो जाएगा थर्टीन ग्राम तो ये थर्टीन ग्राम को सेटल करवा देगा रिमेनिंग सेवन ग्राम आपका बाहर आपको मिलेगा तो ओवरऑल एफिशिएंसी आपकी हंड्रेड से सेवन में कितनी हो जाएगी आप ऐसे भी कर सकते हैं ये आपकी हो जाएगी नाइन्टी थ्री परसेंट ओवरऑल एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी आपकी नाइन्टी थ्री परसेंट यदि फॉर्मूले से करना है इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं हंड्रेड माइनस यू इजल्स टू हंड्रेड माइनस ईटा वन इंटू हंड्रेड माइनस ईटा टू ये डायरेक्ट फार्मूला है यदि आपको पेपर में करना आए तो आप इससे कर सकते हैं इसमें टाइम कंजम्पशन क्या है मिनिमम है आपको सोचना नहीं पड़ेगा आपको ये नहीं मानना पड़ेगा सौ ग्राम का पार्टिकल है या किसने ग्राम का पार्टिकल है तो आप डायरेक्टली सोल्व कर सकते हो इस फॉर्मूले से एंड आप वन आपको गिवन है एंड टू आपको गिवन है आप डायरेक्टली फाइनल एफिशिएंसी निकाल सकते हैं आई होप यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा ये गेट टू थाउजेंड सेवन का क्वेश्चन है टू मार्क्स का दिस इज योर टू मार्क्स क्वेश्चन तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये ये दूसरे एग्जाम्स में भी काफ़ी पूछा गया वैसे काफ़ी क्वेश्चन ये नॉर्मल क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है आप इजीली मार्क्स गेन कर सकते हैं इसके अंदर फोर्थ क्वेश्चन इज आपसे पूछा गया है जो ईएसपी है दिस इज़ यूज फॉर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रेसिपिटेटर किसके रिमूवल के लिए होता है तो मैंने बताया आपको दिस इज ओनली फॉर पर्टिकुलर कंटेमिनेंट पर्टिकुलर कंटेमिनेंट हमने कभी बात नहीं की गैसेस या लिक्विड कंटेमिनेंट को रिमूव कर सकता है तो इसका आंसर क्या है डायरेक्टली आप देख सकते हैं इसका आंसर होगा थ्री ऑप्शन नंबर सी ये ई एस सी ट्वेंटी ट्वेंटी का भी क्वेश्चन है मैंने यहाँ पर ई एस सी या फिर गेट के ही क्वेश्चन आपको बताए हैं सारे या फिर एक यू पी का भी क्वेश्चन है एक यू पी पी वाई क्यू है तो आप ये देख सकते हैं ये असिस्टेंट इंजीनियर का था असिस्टेंट इंजीनियर का ये एग्ज़ाम था तो ये हमारा फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं फिफ्थ क्वेश्चन में आपको बोला गया है कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रेसिपिटेटर फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है पावर रिक्वायरमेंट इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू द अदर एयर पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइस एंड सो दे आर चीपर टू परफॉर्म देन अदर डिवाइस तो आप सोच सकते हैं वो मैंने आपको वहां भी बताया था कि पावर रिक्वायरमेंट ये बाद में देखते हैं सेकेंड स्टेटमेंट रीड करते हैं कैन हैंडल बोथ गैसेज एंड मिस्ड फॉर हाई फ्लो वॉल्यूम गैस हैविंग पर्टिकुलेट मैटर आप ऐसे कन्फ्यूज मत कीजिएगा कि ये गैसेज को रिमूव करेगा गैसेज के अंदर जो पर्टिकुलेट मैटर है गैसेज़ हैविंग पर्टिकुलेट मैटर एंड मिस्ड फॉर हाई कंट्रोल वॉल्यूम थर्ड वन वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कैन बी कलेक्टेड आइदर वेट और ड्राई इट कैन कलेक्ट वेरी स्मॉल पार्टिकल्स आइदर वेट और ड्राई तो ये इजली सीन हमें जो फर्स्ट ऑप्शन है वो एब्सोल्युटली रॉन्ग है पहला ऑप्शन आपको दिख रहा है बिल्कुल गलत है तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड एंड थर्ड दिस इज यूर ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर बी आई होप ये आपको समझ में आया होगा मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर सिक्स यू हैव गिवन टू स्टेटमेंट द फर्स्ट स्टेटमेंट इज इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रेसिविटेटर कैन रिमूव पार्टिकल्स ऑफ सब माइक्रोन साइज क्या लिखा गया है इलेक्ट्रोस्टेटिक पार्टिकल्स कैन रिमूव पार्टिकल्स ऑफ सब माइक्रोन साइज मतलब क्या है इस बात का इट कैन रिमूव पार्टिकल्स ऑफ सम माइक्रोन साइज एक माइक्रोमीटर साइज के पार्टिकल्स को ये रिमूव करता है वन माइक्रोमीटर साइज के पार्टिकल को सेकेंड स्टेटमेंट ड्यू टू हाई वोल्टेज सप्लाई प्रेसिपिटेटर अट्रैक्ट एनी चार्ज पार्टिकल, एनी चार्ज पार्टिकल एनी चार्ज पार्टिकल तो दोनों स्टेटमेंट क्या है आप सोच के बताइए दोनों स्टेटमेंट ही क्या है करेक्ट है ये रिमूव करता है पार्टिकल और ऑसो माइक्रोन साइज बिल्कुल करता है और ये क्यों कर पाता है क्योंकि हाई वोल्टेज सप्लाई होती है जिसके कारण ये एस पी कैन अट्रैक्ट एनी चार्ज पार्टिकल तो इसका ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन है मतलब बोथ ए एंड बी आर करेक्ट एंड द स्टेटमेंट एंड द स्टेटमेंट टू इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट वन आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेवन आप देख पा रहे होंगे जो इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रेसिपिटेटर हैं उससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में तभी मैंने बोला था आपको ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रेसिपिटेटर जो है आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में पूछा गया है इट इज मोस्ट यूजफुल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज ये आपका टू थाउजेंड एट का क्वेश्चन है तो आप देख पा रहे हैं इसमें थर्मल पावर प्लांट के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये पहले भी बताया है मूविंग टू द एट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स इज इम्प्लॉयड फॉर रिमूवल ऑफ पर्टिकुलर मैटर अबाउट फिफ्टी माइक्रोमीटर साइज पहला ही हमारा प्रेसिपिटेटर था जो इतने बड़े साइज पार्टिकल को रिमूव करता है वो कौन सा था हमारा ग्रेविटेशनल सेटलिंग चैम्बर आई होप इसमें भी, भी बताने का कुछ था नहीं है डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है द डिवाइस विच कैन बी यूज टू कंट्रोल गैसेज एज वेल एज पर्टिकुलर पोल्यूटेंट्स ये अच्छा क्वेश्चन है मैंने आपको बताया भी था कौन रिमूव करता है गैसेज को भी एज वेल एज पर्टिकुलरेट पोल्यूटेंट्स को भी इन द इंडस्ट्रियल एमिशन इज नोन एज यू पी पी एस सी ए का क्वेश्चन है रिसेंट क्वेश्चन है ट्वेंटी ट्वेंटी टू का तो ये है आपका स्प्रे टावर स्प्रे टावर कैन रिमूव बोथ गैसियस पोल्यूटेंट एज वेल एज पर्टिकुलेट पोल्यूटेंट। आई होप ये वीडियो आपको आइडिया दिया होगा कि कैसे पर्टिकुलेट मैटर्स को रिमूव किया जाता है हाउ वी कैन कंट्रोल एयर पोल्यूशन वट आर दी एयर पोल्यूशन डिवाइसेस। वट आर दी एयर पोल्यूशन डिवाइसेस तो ये आपको समझ में आया होगा एयर पोल्यूशन डिवाइसेस को आप समझ में आया होगा यहाँ से दीज आर दी सम डिवाइसेस। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी यदि कोई भी क्वेरी आती है आप मेरे टेलीग्राम चैनल वी प्लस यू अकेडमी जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था वी प्लस यू अकेडमी आप वहाँ पर कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप यू कैन कमेंट बिलो दिस वीडियो ऑल्सो फॉर एनी क्वेरी थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो हैव ए नाइस डे